ओ लक्ष्मी प्लीज जल्दी करो, मुझे क्लिनिक जाने में देर हो रही है। ला रही हूँ। क्या ला रही हूँ? तुम्हारे ही कारण मेरे आधे पेशेंट्स तो मेरे क्लिनिक पहुँचने से पहले मर जाते। और आधे आप जाने के बाद मरते। अबे ओ मर्दूत, कभी तो ढंग की बात किया कर। ढंग का आदमी हो तो ढंग की बातें करूँ ना। लक्ष्मी मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ये लो, ये रहा तुम्हारा नाश्ता। लक्ष्मी क्या हो गया तुम्हें? एक नाश्ता बनाने में आधा घंटा लगता है तुम्हें? अरे नहीं, पिछले 20 मिनट से किचन में हल्दी ढूंढ रही थी। अच्छा, तो मिली? नहीं, अचानक 5 मिनट पहले मुझे याद आया कि भला काजर के हलवे में हल्दी का क्या काम, हलवा तो मीठा होता है ना। हाँ, हाँ, अच्छा हलवा मीठा होता है। हाँ। अरे वाह वाह, सारा खानदान ढीला है। हाँ, मालूम नहीं रिजा जी को हलवा मीठा ही होता है। हाँ। सच? पापा। क्या है? आग बंद करो। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे क्लिनिक में देरी हो रही है। पापा प्लीज पापा। ओके जो भी करना जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, देरी हो रही है मुझे, जल्दी करो। अरे अरे ये क्या किया तुमने? पापा होली है। अरे होली तो 3 रोज बाद है बेवकूफ, अभी सेवन क्यों लगाया? पापा मैं तो रिहर्सल कर रही थी होली की। तुम क्यों अपनी माँ पे गई बेटी? क्यों? क्यों क्या हुआ पापा? ये हरकत सिर्फ लाठी खानदान कर सकता है। पापा! अरे राज उसकी फीलिंग्स देखो। हाँ बिल्कुल, तुम पे गई है, तुम्हारी तरह गलत वक्त पर गलत तरीके से एक्सप्रेस करती है। जी सब कुछ छोड़ दो, हमें काम करते हैं। क्या? इस साल होली हंसते खेलते साथ में मनाते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। या हम हंस खेल सकते हैं या साथ रह सकते हैं, दो चीज साथ में तो हो नहीं सकते। सारा खानदान ढीला है। जी जी ऐसे ही जाएंगे क्या? हेलो हेलो लक्ष्मी। हेलो। हाँ राज भांजे। अरे महामाजी महावाजी महावाजी प्रणाम। यार इस बार होली में क्या स्पेशल करने का इरादा है? स्पेशल? हाँ इस बार सोचा है कि होली में एक दूसरे को रंग लगाएं। वाह क्या स्पेशल सोचा है यार। मैं तो है ना चाचा जी, घर के दरवाजे पर दिए जला के राज को सरप्राइज दूंगी। बेटे ऐसा क्यों नहीं करते, तुम लोग सब मेरे यहाँ चले आओ, यहाँ मिलकर होली मनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सच? नहीं नहीं मामा जी, एक्चुअली बात ये कि हमने सोचा इस बार होली घर में ही मनाएं। अरे बेवकूफ बांझे, होली तो यहाँ मनाएंगे ही मनाएंगे, साथ में पड़ोस में एक लड़की आई है, वो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या? ये पड़ोस में फिर नई लड़की आई है? अरे क्या क्या वो अच्छा 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 अच्छा, पड़ोस में नई खिड़की लगी है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो तू जरूर आएगा ना? नहीं नहीं आप फिक्र मत कीजिए, इस बार तो हम होली आप ही के घर मनाएंगे मामा जी। हाँ बस मैं लच्छो से कह देता हूँ। ओके लच्छो लच्छो। ये लड़की की खिड़की कैसी बन गई? लपड़ा है लपड़ा। हाँ चाचा जी हम सब जरूर आएंगे, बाय। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, मुझे तुमसे एक बहुत 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 जरूरी बात कहनी। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। नहीं नहीं मैं पहले कहूंगा। पहले मैं ठीक है तू कह। हाँ, जी, दीदी राज हाँ, इस बार की होली है ना, हम मेरे चाचा जी के यहाँ खेलेंगे। बिल्कुल नहीं, इस बार की होली है ना, मेरे मामा जी के यहाँ खेलेंगे, उनका भी फोन आया था समझी। मामा जी के पड़ोस में नई खिड़की जो आई है। अरे कुछ नहीं, खिड़की यानी नई लड़की आई है, उसके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते है जीजा जी। क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है। मैं तो अपने मोहल्ले की किसी लड़की को नहीं जानता हूँ, तो मामा के पड़ोस को कहाँ से जानूंगा। मोहल्ले से याद आया, अपने पड़ोस में मिश्रा जी है ना, उनकी बेटी सीमा बहुत बीमार है। अरे मिश्रा जी की तो इकलौती बेटी है, उसका नाम करिश्मा है, सीमा कहाँ से? अच्छा देखा दीदी, किसी मोहल्ले वाले को नहीं पहचानते। चलो ना राज मेरे चाचा जी के यहाँ। नहीं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, जानता हूँ राज, पता है हमारी शादी उन्होंने ही तय करवाई थी। क्या ये तुम्हारे वही चाचा जी हैं जिसने मेरे हंसते खेलते जीवन में जहर की दो शीशियाँ उढ़ेल दी? क्या क्या हुआ? लगता है मजाक किया। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे दुनिया भर की अच्छाई सिर्फ तुम्हारे खानदान में है। ऑफ कोर्स है, मत भूलो कि मेरी गैर मौजूदगी में जब तुम बीमार पड़ी थी ना, तो मेरे यही मामा जी थे जिन्होंने तुम्हें दवाइयां लाके दी थी। हाँ हाँ याद आया, 1000 रुपये की दवाई लाए थे। तो फिर 1500 का बिल दिया था। तो क्या हुआ, कम से कम मुसीबत में मदद तो की थी। हाँ मदद।
लेकिन उस एक्स्ट्रा पैसे के लिए दीदी को एक्स्ट्रा बीमार होना पड़ा, उसका क्या? वो तो मदद करने का बोनस। बस बस बात हुआ, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। हाँ मैं भी झगड़े से तंग आ गया, दो मिनट का ब्रेक लेते हैं क्या? अगला झगड़ा ब्रेक के बाद। यो शट अप। और सुन लो अच्छी तरह, आज से इस घर में जितनी भी डिसीजन है ना, जितने भी फैसले हैं वो मैं लूंगा। और मेरे फैसले? तुम भी फैसले कर सकती हो, लेकिन फैसले मेरे ही माने जाएंगे। यानी इस घर में मेरी इतनी सी इज्जत है? इतनी से थोड़ी कम। और चिल्ला मत, वरना पड़ोसी समझेंगे घर में आग लग गई है। हाँ हाँ, अब तो मेरी आवाज चिल्लाना लगेगी ना। शादी के पहले कहते थे, लच्छो तेरी आवाज तो कोयल की कुकू जैसी है। मेरे उस छोटे से झूठ के लिए मैं जिंदगी भर तड़पना नहीं चाहता, समझी? देखना आज के बाद तो मेरी आवाज सुनने के लिए तरसोगे। नहीं, आज से हमारा बोलना चलना बंद और मौन युद्ध शुरू। क्या कह रही हो राज? हाँ। होली में सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो इन 2 दिनों में तुम मेरे चाचा जी के यहाँ जाने के लिए राजी नहीं हुए तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हम जिंदगी भर एक दूसरे से ना बोले। नहीं नहीं लच्छो, हे भगवान, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मांग रहा हूं, मेरी पत्नी की प्रार्थना सुन ले भगवान, मेरी पत्नी की प्रार्थना सुन ले। सुनेगा ना? मैं कौन? तुम कौन हो? चोर चोर चोर, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोरी करने। जगाना मत उनको, झगड़ा हुआ ना उनसे, बातचीत बंद है ना। फिर तुम्हें कैसे पता चला? बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मुझे और घर जाना चोरी करने। तुम्हारे घर बचा है क्या? सॉरी सॉरी। कपाट की चाबी तकिए के नीचे होगी ना? तुम्हें कैसे पता चला? लाइसेंस होल्डर चोर हूँ। ये लो। आओ मेरे साथ। चोर भाई। हाँ बोलो। सारा सामान लेके मत जाना। हाँ तुम्हारे पति की कमाई है ना? हाँ। फिर क्या? उनको सबक सिखाना है कि नहीं? हाँ, मेरी चेन। ओहो ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ? नहीं, तुम्हारे लिए बहना, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। बहुत मजा आएगा, अब राज को पता चलेगा मेरे साथ झगड़ने का अंजाम। अगर तुम्हें अपने पति को काबू में रखना है ना, तो मैं कुछ टिप्स देता हूँ, लिखो। एक मिनट। हाँ जल्दी करो। हाँ बोले। कभी अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। वैसे भी वो भरोसा करने लायक नहीं है। अच्छा? तुम्हें पता है मेरा दिल दुखा के किसी लड़की के लिए वो मामा जी के यहाँ होली खेलने जा रहे हैं। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं बहना। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट। ओहो, अब क्या? एक मिनट। क्या है ये? राज का पर्स है। हाँ। सुबह ढूंढने का, नहीं मिलेगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। भैया। अब क्या है? चोर भाई। हाँ बोलो। राखी के बंधन को निभाना। जल्दी निभाऊंगा बहना, लेकिन एक शर्त पर। अपने पति से कहना, अगर होली के दिन तुम्हारे चाचा के घर गया तो ही मैं रक्षाबंधन के दिन ये सारा सामान लेकर आऊंगा। मैं चलता हूँ बहना। बहना चोरियां तो मैंने बहुत सी की, लेकिन इतनी इमोशनल चोरी पहली बार कर रहा हूं। बाय। कितना भला आदमी है। अच्छा ऐसा हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मैंने है ना चोर भाई को सारा सामान दे दिया। क्या बात है दीदी, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? मुझे क्यों नहीं जगाया? मेरा बटवा रह गया ना। फोन नंबर भी। गुल्लू गुल्लू गुल्लू, मेरा बटुआ कहाँ है? चोर ले गया। चोर? दीदी ने खुद अपने हाथों से दिया। क्या मतलब? तुम समझाओ। मतलब ये कि कल रात को चोर भैया आए थे। अरे तो तुम लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? जगाने के लिए डायरेक्ट बात करनी पड़ती। और दीदी तब तक बात नहीं करेगी जब तक आप हमारे साथ चाचा जी के पास नहीं आते। अरे क्या बेवकूफी है ये, इसमें तो तुम लोग सारा घर लुटा दोगे भाई। डरते क्यों हो जीजा जी, वो चोर जाते वक्त वादा करके गया था। क्या वादा? यही के गुल्लू, अगर राज चाचा जी के यहाँ होली खेलने आएंगे तो नेक्स्ट रक्षाबंधन के दिन चोर भाई सारा सामान लौटा देंगे। वाह वाह वाह,
क्या सेंटिमेंटल अटैचमेंट है सारे लाठी खानदान का दुनिया भर के चोर उचक्कों के साथ। हमारा दिल ही ऐसा है। तो रिजा जी चल रहे हो ना हमारे साथ? हरगिज नहीं, वो चोर आगे सारा घर ले जाए, तुम दोनों को भी उठा के ले जाए ना, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, समझे? कितना निर्दयी हो गया है राज। आने दो चोर भाई को रक्षाबंधन के दिन। राज की अच्छी तरह से पिटाई नहीं करवाई तो मेरा नाम भी लच्छो नहीं। हाँ, लेकिन दीदी वो चोर जीजा जी से तगड़ा है ना। हेलो, हेलो, हेलो राज। आह मामा जी प्रणाम। अरे क्या करूं, मैं तो आना चाह रहा हूं होली के दिन आपके घर, लेकिन वो लक्ष्मी की बच्ची है ना, वो अपने वो चाचा के घर ले जाना चाह रही हमको। हाँ वही चाचा जो वो घोड़ा चौक पे रहते हैं। सोच ले, पड़ोस वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, अंदर की बात तो ये है यार कि एक खिड़की से उसे मैं देखता हूँ और दूसरी खिड़की से मेरा बेटा। एक मिनट। हेलो हेलो लक्ष्मी बेटे। एक मिनट, गुड डे। क्या है? तेरी मम्मी का फोन है। हेलो हेलो लक्ष्मी बेटे, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी हेलो 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 राज, ये अचानक टेलीफोन में डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है? वो इसलिए मामा जी क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइन में अब लाठी खानदान एंटर हो चुका है। चाचा जी राज की लाइन का हमारी लाइन के साथ गलत कनेक्शन लग गया है। क्यों, फिर कुछ वो लफड़ा किया गया राज ने? सिर्फ राज ने, उसका पूरा खानदान लफड़ेबाज है। उसके फ्लर्ट गट्टू मामा अपने फ्लर्ट भांजे को लाइन मारने की नई नई तरकीब सुझा रहे हैं। अरे शु 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 शु। अरे गट्टू क्या इतना गिर गया है? गुड्डी बता दे तेरी माँ से कि मेरे मामा के नाम के आगे डिग्रियों की तरह गालियां ना जोड़े। क्या हुआ राज? जी कुछ नहीं, वो लक्ष्मी के जो वो घनश्यु चाचा है ना, वो आपको प्रणाम कह रहे हैं। कौन वो घोड़ा चौक वाला गधा? ए गुड्डी राज को कह दे अपनी मामा जी की जबान को लगाम दे। गधा किसको कहा? पापा। चुप। क्या हुआ लक्ष्मी? अरे चाचा जी पता है राज के वो गधा चौक वाले मामा है ना, उन्होंने आपको गधा कहा। ये मजाल, मैं अभी देखता हूँ उसे। क्या हुआ राज, उसने मेरी गाली का जवाब नहीं दिया क्या? मामा जी लक्ष्मी के चाचा जी आपको डायरेक्ट जवाब देना चाहते हैं। अच्छा ये बात है, तो फिर आने दो उस गधे को मैदान में। हेलो। अरे हेलो गट्टू, तेरे ना सांस है ना प्राण, और तू मुझे गाली देता है? अबे गधे, पहले गाली तूने दी मुझे। गधा मत बोल, गधा मत बोल। बाप ने कितना समझाया था, दो चार गाली सीख ले बेटा, मुसीबत में काम आएगी। गधे को गाली देना भी नहीं आती। गधा मत बोल, गधा मत बोल। गधे। ए लक्ष्मी की बच्ची सुन ले, खबरदार जब तूने मेरे मामा को कुछ कहा तो। अरे राज तेरे मामा को तो मैं क्या क्या कहती हूँ। अरे देखता हूँ तू कैसे कहती है मेरे मामा को। मैं तुम्हारा आप दोनों की डायरेक्ट बातचीत बंद है ना? हाँ। फाइटिंग तो बंद नहीं है ना? नहीं। देन कंटिन्यू। ओके। अरे तुम समझ। किधर को जा रहे हो यहाँ? हाँ कौन मैं? आओ तुम सच पूछ रहा हूँ, किधर को चले जा रहे? मैंने अपने रास्ते को जा रहा हूँ, तुमको क्या? हाँ हाँ बिद को मत, ऐसा होता बेगम से परेशान शोर हाँ अक्सर ऐसी बातें करते सर के लिए। अरे वाह, आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ भाई? हमें भागते कुत्ते के पावा गिन लेते ना। बोले तो नहीं मुहावरा फेंका मैं चलता। अरे वाह वाह, तुम तो अंतर्यामी लगते भी, यहाँ ज्योतिष व्योतिष है क्या? नहीं नहीं मेरा नाम जानी भाई आइडिया वाला। हाँ लोगों के परेशानियों को आइडिया देता हूँ, सोल्यूशन देता हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम बोलना। मेरा प्रॉब्लम मेरी जोरू ना वो मालूम आगे बोलना। अरे वो ऐसा है भाई कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली होली जो है ना वो मेरे मामा के घर मनावे, मेरी जोरू चाहती उसके चाचा के घर मनावे। प्रॉब्लम उत्ताच। औरत वो पहाड़ में आज जिसके नीचे बड़े बड़े निजाम आ गए। सच्चा बोले भाई, तुम तो लगभग आदमी दिख रहे। बोले तो नहीं मेरे कने आइडिया है, बोलूं क्या? अरे बोलना भाई, बहुत परेशान हूँ ना मैं। देखो क्या, औरत को झुकाने के लिए ड्रामा करना पड़ता। ड्रामा? हाँ, दिलों के तारों को छेड़ना पड़ता। टन टन टन। दिलों के तारों को छेड़ो तो टन टन बोल के बोलते क्या? मेरे को तो मालूम ही नहीं था, आगे बोलो भाई। आंसुआ टपकाने पड़ते, बड़े बड़े मोटे मोटे बॉक बॉक। दाढ़ी बढ़ानी पड़ती,
हाँ, बाल बिखरने पड़ते हैं। ओहो, यानी आप चाहते हैं कि मैं उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूं? हाँ, इंग्लिश में यही बोलते हैं, पर हिंदी में खड़े खड़े हौला बनाना कहते। हौला बोले तो पागल पागल। लेकिन इस सबसे होगा क्या? क्या है कि तुम्हारी जोरू जो है, तुम्हारी बात सुनको तुम्हारे खाने दौड़े चले आती राजधानी की तरह। राजधानी एक्सप्रेस? हाँ। मेरे को कुचल को निकल गई तो? अरे नहीं कुचलती, मैं खाना इधर लाना। खाना बोले तो? Bring your ear here. अरे वाह वाह वाह, क्या आइडिया दिया भाई, किधर से तुम्हें अब तक? अरे इधर ही था भाई, आइडिया पसंद आया ना? बहुत पसंद आया। तो ला लो 57 रुपए 75 पैसे। 57 रुपए 75 पैसे बोले तो? मैं एक बात बोलूंगा, तुम यकीन करेंगे क्या? कर दूं। वो क्या है कि मेरा बटवा जो है ना, हाँ। बोले तो गायब हो गया है। कल दूंगा चलेगा? नहीं चलता ना। क्यों? मेरे को भी हिसाब देना पड़ता ना। किसको? बीवी को। अरे बाप रे, तुम भी मरीज? हाँ, मैं भी मेरा मरीज। मिया, वो सब बात तो ठीक है, लेकिन ये आइडिया कामयाब तो होएगा ना? होता मिया, बिल्कुल होता, बिल्कुल हिट है, फ्लॉप पिच नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ। बस उतच। अरे इतनी आइडिया को यूज करके कितने लोग अपने घर को बचा लिए, तुम भी कामयाब होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बॉस। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूं अब तुम। आपने शराब पिया पापा? गुड्डी, अरे इस बोतल में से तुझे शराब की नहीं तो क्या घासलेट की बू आ रही है? क्यों भी पापा? मत पूछ बेटी, मत पूछ, अगर सुनेगी ना तो आंख से आंसू निकल आएंगे। हाँ, स्टोरी वो ट्रेजेडी है क्या पापा? हाँ बेटी हाँ, एक आदमी जिसका पति एक आदमी, अरे जिसकी पत्नी उसकी एक खुशी ना माने, वो शराब नहीं तो क्या गन्ने का जूस पिएगा? बता गुड्डी बता, मैंने क्या गलत किया है? जवाब दे गुड्डी, क्या गलत किया? राज, तुमने शराब पी है? हाँ हाँ, शराब पी है मैंने। अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, ले चलो मुझे तुम्हारे चाचा के पास। बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है इस दिल को तुमने लच्छो। I'm so sorry राज, राज प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो हम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाते हैं, ओके? सच? हाँ सच, कोई प्रॉब्लम। लेकिन सुनो, ये क्या गुल्लू, तूने शराब पी है? एक आदमी जिसका साला, सॉरी सॉरी, जिसका जीजा उसकी एक 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 खुशी ना माने और दारू नहीं तो क्या गन्ने का जूस पिएगा? ये क्या हो रहा है? चुप मुझे चुप। जी हो गया ना तुम्हारा कलेजा ठंडा? चलो चलो जाइए तुम्हारे मामा के पास। कितना दुख पहुंचाया दिल को, इस दिल को। राज, अब तो मान जाओ, देखो मेरे भाई ने अपना क्या हाल कर रखा है। लेकिन लच्छो, मैंने भी तो दारू पी है। मैं ये सब नहीं देख सकती, मेरा भाई मेरे लिए इतना त्याग कर रहा है और मैं अपने पति के बहकावे में आ गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बहुत दुख पहुंचा है रे दिल को, बहुत दुख। मैं छोड़ना, एक बात बता, तू भी जानी भाई के पास गया था? आप भी जानी भाई को जानते हैं? What lucky रे! क्या दीदी, क्या सोच रही है? गुल्लू, अच्छा हुआ तो ऐन वक्त पे आ गया, वरना मैं उनके बहकावे में आके ये जंग हार जाती। अरे मेरे होते हुए तो जंग कैसे हार सकती है? ये चाचा मामा की होली इज्जत का सवाल बन गई है। कल होली है, कुछ करो। डोंट वरी दीदी, जानी भाई ने मुझे बेहतरीन आइडिया दिए। अच्छा, क्या है? उन्होंने कहा आप जीजा जी को डराओ, वो अपने आप मान जाएंगे। गुड आइडिया, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? काली बिल्ली पकड़ने, उन्हें डराना है ना? अरे वो डराना नहीं, ये डराना अलग है। तो क्या है? पार्टी को आने तो दे, बाद में बताऊंगा। अच्छा। लो आ गई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। यस जीजा जी, इसे पहचानी? What a difficult question. Give me 3 guesses. Yes, yes. ये अखबार है? नहीं। 1200 रुपए का नोट है? नहीं। तो फिर क्या होगा, क्या होगा? लिफाफा है? लेकिन ये मामूली लिफाफा नहीं है,
इसके अंदर क्या है पहचानो? क्या है? तलाक नामा। ये चिल्ला तो नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक है। हाँ, लेकिन ये तलाक नामा किस लिए दिया जा रहा है ये तो बताओ। दिया नहीं जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है। या आप हमारे साथ हमारे चाचा के पास होली खेलने आओ, या तलाक तलाक तलाक। ओह, यानी अब ये होली प्रेस्टीज इश्यू बन चुकी है। यस। ठीक है, कहाँ दस्तखत करना है बताओ। तुम बताओ कहाँ दस्तखत करना है, मैं तलाक देने को तैयार हूँ। मैं कोर्ट में पूछ के आता हूँ। कोर्ट में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने लॉयर से पूछ लूंगा कि कहाँ दस्तखत करने हैं। मैं तैयार हूँ तुम्हें तलाक देने के लिए। तलाक तलाक तलाक। जानी भाई को मार डालूंगा मैं। तुम्हें मार डालूंगी। पापा, ये तलाक क्या होता है? तलाक का मतलब होता है डिवोर्स। अच्छा, डिवोर्स। डिवोर्स क्या होता है? ओफो, कैसे समझाऊं तुम्हें? अच्छा सुनो, 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हाँ। 47 के बाद हम उनसे आजाद हो गए। हाँ। इस आजादी का ही दूसरा नाम होता है तलाक, डिवोर्स। मुझे अब तुम्हारी मम्मी से लेना है आजाद होने के लिए। पापा, हाँ। इसका मतलब है मम्मी को निकाल देंगे घर से? मोर और लेस। पापा, क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं? अबे छुटकी, तुम मुझे मत बता क्या अच्छा और क्या बुरा है, समझी? क्या काम कर। दीदी मेरी बात मान जा, मुसीबत में गधी को भी बाप माना जाता है। तो जीजा जी है, बोल देना सॉरी। मम्मी मान जाओ ना। नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं राज के सामने नहीं झुकूंगी। देख दीदी, धूप में खड़ा होना पड़ेगा ना, अपने आप कमर झुक जाएगी, सफेद हो जाएगी, गाना गाते घूमना पड़ेगा। चिरंडी वाले ताजी मम्मी प्लीज मेरे खाते। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं होली तो चाचा जी के घर ही खेलूंगी। होली के दिन क्यों झगड़ा कर रही हो? ठीक है, मैं जीजा जी को मना तो ओके। नहीं गुल्लू, नारी स्वाभिमान जिंदाबाद, गुल्लू अपना सामान बंद। सामान? अरे सुन, अरे मम्मी भी नहीं मान रही है। लगता है बड़ों की अकल ठिकाने लगाने के लिए छोटे बच्चों की अकल यूज करनी पड़ेगी। और द बिस्किट। अरे भाई निकले के नहीं? हाँ निकल रहे। थोड़ा टाइम लगेगा। क्या था मेरे पास? एक पैंट और शर्ट पहन के तो आया था, बाकी जीजा जी का था ना। जीजा जी, जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट दीदी। जीजा जी, हम जा रहे हैं। जाओ जाओ। नहीं नहीं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारी इस साल की होली भी अच्छी मने। जाओ जी, जब भी हमारी गलती का एहसास हो जाए तो हम वापस आएंगे। चलेगा? तब अपने घर का दरवाजा खुला रखना। अरे दरवाजा खुला दो क्या, मैं पूरा दरवाजा निकाल के रखूंगा। अगर जाओ तो सही, इतना जोर कर रहे तो हम नहीं जाते। कॉम्प्रोमाइज हो गया। होली मुबारक, होली मुबारक। अरे अरे गुल्लू, भूल गया लाठी खानदान का स्वाभिमान? मुझे तो ठीक तरह से लाठी खानदान याद नहीं है। देखा देखा, ये है टिपिकल लाठी, जहाँ मौका मिला मार दी गुलाटी। और तुम टिपिकल सेठी, मौका देते ही दगा दे गए। क्या दगा दिया मैंने? अरे हर औरत का धर्म होता है कि अपनी पति की बात माने। हाँ, और मर्द का धर्म? मर्द इतने धार्मिक नहीं होते। तुम क्या मुझे पागल समझते हो क्या? उससे भी ज्यादा बेवकूफ। मैं तुम्हें चक्का जमा जाऊंगी। तुमसे यही उम्मीद थी, यहाँ भी कंजूसी कर रही हो, मसाले बजा रही हो। तुम तो कहेंगे खारी कहेंगी गंदे करेले। तुम लौकी हो, लौकी। और तुम पिका हुआ टमाटर हो। और तुम सड़ा हुआ केला हो। तुम क्या देख रहे हो? उन दोनों डिसाइड करो कौन क्या है, तब तक मैं अंदर जाके सोता हूँ। नहीं, निकल बाहर। अरे अरे देखो क्या, अरे क्या बात है। लगता है बुड्ढे ने मामा और चाचा का कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आप दोनों क्यों झगड़ रहे? आप भी कॉम्प्रोमाइज करो ना। बोलो होली मुबारक। होली मुबारक, होली मुबारक। ऐसे नहीं, हाथ मिलाओ। होली मुबारक, होली है।